भोजपुरी पावर स्टार पवन सिंह और ज्योति सिंह का जब से डिवोर्स वाला मामला सामने आया है तब से आए दिन मीडिया में अलग अलग सुर्खियां सामने आ रही हैं। लेकिन अब एक पक्ष ऐसा भी सामने आया है जो ज्योति सिंह के इस डिवोर्स को, इस तलाक को पब्लिसिटी स्टंट बता रहा है। जी हाँ, कुछ लोग हैं जो ये कह रहे हैं कि ज्योति सिंह के व्लॉग को देखिए जहाँ ज्योति सिंह आपको बगैर सिंदूर लगाए दिख सकती हैं। और अब जब अदालत आने की बात होती है तब बकायदा ज्योति सिंह मांग में सिंदूर भरती हैं, हाथों में चूड़ियां पहनी रहती हैं और वो सारे श्रृंगार करती हैं जो एक विवाहित स्त्री करती है। वैसे ज्योति सिंह के आप इंस्टा पोस्ट को भी देखेंगे तो आपको लगेगा कि काफ़ी समय तक ज्योति सिंह ने अपने मांग में सिंदूर तक नहीं भरा था। अब हाल के दिनों में ज्योति सिंह अपने मांग में सिंदूर भरती हैं और पोस्ट भी वो कुछ इस कदर करती हैं मानो वो डिवोर्स नहीं चाहती। और अब ये क्लियर हो चुका है ज्योति सिंह के वकील के माध्यम से कि ज्योति सिंह पवन सिंह के साथ रहना चाहती हैं लेकिन पवन सिंह जो हैं ज्योति सिंह के साथ नहीं रहना चाहते हैं। आपको यहाँ पर ये बात बता दें कि एक वक्त था जब पवन सिंह ये चाहते थे कि ज्योति सिंह उनके घर वापस आ जाएं और उनके साथ रहें, लेकिन तब ज्योति सिंह आने के लिए तैयार नहीं थी। और आज का वक्त है कि ज्योति सिंह अब चाहती है वो पवन सिंह के साथ अपने रिलेशन को वन स्टेप हेड लेके जाए, लेकिन पवन सिंह ने इसे टोटली इनकार कर दिया है। अब वो ज्योति सिंह के साथ नहीं रहना चाहते हैं। उनका ये कहना है कि अब वो ज्योति सिंह को पत्नी के रूप में स्वीकार नहीं करना चाहते, लेकिन जज ने इन दोनों को एक और मौका दिया है और कहा है कि अपने आपसी रिश्ते को सुधार ले, हो सके तो इसे बाहर अदालत के बाहर ही सुलझा ले मामले को। ऐसे में ज्योति सिंह और पवन सिंह को और एक तारीख दे दी गई है जहां पर ये दोनों आकर अपने रिश्तों का सुधार करेंगे, या यूँ कह लें कि उलझे रिश्तों को सुलझाने के लिए एक कदम बढ़ाएंगे। या फिर हो सकता है कि पवन सिंह के तरफ से अब पूरी तरह से इस तरह इस रिश्ते को लेकर ना ही हो जाए, इसके लिए आपको नेक्स्ट तारीख का इंतज़ार करना पड़ेगा जहां पर पवन सिंह और ज्योति सिंह अदालत में जज के सामने होंगे। भोजपुरी जगत के हॉट और मसालेदार गॉसिप के लिए हमें सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।